गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नोइंग नंबर्स इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट नंबर्स स्टूडेंट्स फर्स्टली लेट अस डिस्कस दैट व्हाट आर नंबर्स नंबर्स होते क्या हैं अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट मेजर एंड लेबल नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम काउंट करने के लिए मेज़र करने के लिए और लेबल करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल फोटी थ्री नाइन सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन एंड सो ऑन वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर्स एंड देर आर सो मैनी यूजेज ऑफ नंबर्स ऑल्सो सी स्टूडेंट्स बहुत सारे यूजेज होते हैं हमारे पास लाइक काउंटिंग मनी टाइम ईयर डेट वेदर फोन नंबर पेज नंबर एट्सेट्रा बहुत सारी जगह पर हम नंबर्स का यूज करते हैं तो इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ओके okay. जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास वो एंडलेस होते हैं इट मीन्स ख़त्म नहीं होते कभी भी अगर हमने एक नंबर लिखा फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी सेवन लिखा हमने उसके बाद सिक्सटी एट आ जाएगा उसके बाद सिक्सटी नाइन आ जाएगा फिर सेवेंटी आ जाएगा इट मीन्स वन वन ऐड करते जाएंगे हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा सो नंबर्स आर एंडलेस एंड स्टूडेंट्स ऑल नंबर्स आर फॉर्म्ड बाई यूजिंग टेन सिम्बल्स सारे के सारे नंबर्स किससे बनते हैं टेन सिंबल्स से बनते हैं और उन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं डिजिट्स या फिर फिगर्स बोलते हैं कोई भी नंबर हम बनाते हैं कोई भी नंबर मैथ्स में बनेगा वो किससे बनेगा टेन डिजिट्स से बनेगा जो है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके हर एक नंबर बनता है मैथ्स में ओके स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री है हमारे पास ये नंबर इन्हीं डिजिट से मिलके बना हुआ है और इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स आप कितने भी डिजिट्स का नंबर बना सकते हैं छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नंबर इन्हीं टेन डिजिट्स का यूज करके बनता है हमेशा ओके okay, स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का नाउ लेट्स टॉक टॉक अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नंबर्स एंड सेकेंड वन इज़ होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से शो करते हैं स्टूडेंट्स और ये जो कलेक्शन होती है इसमें कौन कौन आता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन ये ऐसी कलेक्शन है जिसमें ये नंबर आते हैं ओके स्टूडेंट्स और हमारे पास होल नंबर्स क्या होते हैं होल नंबर्स हमें तब मिलते हैं जब हम इस कलेक्शन में ज़ीरो भी ऐड कर देते हैं इट मीन्स काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो आर कोल्ड होल नंबर्स अगर काउंटिंग नंबर्स में ज़ीरो भी डाल दें तो वो क्या बन जाएगा होल नंबर्स बन जाएंगे ओके okay, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं स्टूडेंट्स ओके तो ये आपकी कलेक्शन है होल नंबर्स की इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है मैथमेटिक्स में ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर्स कैन बी रिटर्न इन फिगर्स एज वेल एज़ इन वर्ड्स देखिए स्टूडेंट्स कोई भी नंबर है हमारे पास उसको हम फिगर्स में भी लिख सकते हैं वर्ड्स में भी लिख सकते हैं ओके okay, फिगर्स में भी लिख सकते हैं वर्ड्स में भी देखिए मैंने लिखा फोर नाइन सिक्स ये नोटेशन है फिगर्स में ये लिखा हुआ है फिगर्स में इन फिगर्स और अगर मैंने इसको नंबर को ऐसे लिखा फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स तो ये हो गया वर्ड्स में एट मीन्स नंबर को हम फिगर्स में भी लिख सकते हैं और वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास और हम नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास फोर बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैथेमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर को हम फिगर्स में भी लिख सकते हैं और वर्ड्स में भी लिख सकते हैं अब हम कुछ सिस्टम्स डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास किसी भी नंबर को लिखने के लिए अगर उसको रीड करना है या राइट करना है कोई भी नंबर अगर हमें रीड करना है या राइट करना है तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं देखिए टू सिस्टम्स हैं हमारे पास टू सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन दो सिस्टम हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें नंबर को रीड करना है और राइट करना है देखिए फर्स्ट वन इज़ हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जिसको हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी बोलते हैं और सेकंड क्या होता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ़ न्यूमेशन ये दो सिस्टम हैं स्टूडेंट्स इन्हीं को अब हम डिस्कस करेंगे ये कुछ रूल्स बताते हैं हमें जिसके अकॉर्डिंग हम अपने नंबर को राइट करेंगे और रीड करेंगे ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट वन इज़ हिंदू अरबिक और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हिंदू अरबिक कहिए या फिर आप इसको इंडियन सिस्टम कहिए ओके इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स हम किसी भी नंबर को पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं वंस पीरियड थाउजेंड्स पीरियड लैक्स पीरियड करोर्स पीरियड ये हमारे पास पीरियड्स होते हैं इस सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट है स्टूडेंट्स ये प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं तो राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स वंस पीरियड में वंस टें हंड्रेड्स आते हैं थाउजेंड्स पीरियड में थाउजेंड्स और टेन थाउजेंड्स लैक्स में लैक और टेन लैक करोर्स में करोर्स और टेन करोर्स आते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर लिखना है ये वाला तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले सिक्स फिल किया जाएगा वन प्लेस फिल किया जाएगा फिर टेन प्लेस फिर हंड्रेड फिर थाउजेंड फिर टेन थाउजेंड एंड फिर लैक प्लेस फिर फिल करेंगे सिमिलरली हम ये नंबर्स लिखेंगे ओके स्टूडेंट्स नाउ देखिए स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर किसी नंबर को हमें रीड करना है या राइट करना है तो अगर हम कोमा अप्लाई कर लें उस नंबर में तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए देखिए स्टूडेंट्स हमने कोमा कैसे अप्लाई करना होता है ये वंज पीरियड है वंज को थाउजेंड्स पीरियड से अलग करने के लिए एक कोमा हम यहाँ पे लगा देते हैं और थाउजेंड्स को लैक से सेपरेट करने के लिए हम एक कोमा यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इट मीन्स इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं वन कोमा नाइन ज़ीरो फाइव सेवन सिक्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स लास्ट से थ्री डिजिट छोड़नी है फिर टू डिजिट्स छोड़नी है फिर से टू छोड़नी है और फिर से टू छोड़ के कोमा लगाना है ऐसे इसको याद रखें लाइक like, पीछे से तीन छोड़े फिर दो फिर दो अगर आगे होता तो आगे भी कोमा लगता तीन डिजिट छोड़ेंगे फिर दो डिजिट्स छोड़ेंगे फिर से दो डिजिट्स छोड़ेंगे ऐसे कोमा अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स हम किसी भी नंबर में आप इसको अगर प्लेस वाले चार्ट से बाहर लिखेंगे तो ऐसे ही कोमा अप्लाई करके लिखेंगे ओके स्टूडेंट्स अब नेमिंग देखिए हम कैसे करते हैं नेमिंग भी हम पीरियड वाइज ही करते हैं स्टूडेंट्स सी ये नंबर है हमारे पास देखिए अगर हमें कोमा लगाना है तो थ्री डिजिट छोड़े यहाँ से दो और एक डिजिट यहाँ पे ओके यहाँ पे कॉमा आ गया और यहाँ पे कॉमा आ गया अब इसको रीड करना है देखिए ये लैक्स पीरियड है तो वन लैख ये थाउजेंड्स का है तो नाइन्टी थाउजेंड और फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स ये इकट्ठा लिखा जाता है फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स सिमिलरली ये हो जाएगा हमारे पास देखिए ये वन पीरियड है ये थाउजेंड्स ये लैक्स और ये करोड़ ये क्या हो जाएगा थ्री करोड़ नाइन्टी फोर लैख एट्टी फाइव थाउजेंड एंड टू हंड्रेड फोर्टी सेवन अगर इसकी प्लेस वैल्यूज आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे वन टें हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख एंड करोड़ इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू लिख के भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स ये नोटेशन हो गई हमारे पास डिजिट्स वाली और ये नोटेशन जो है ये जो ऐसे लिखा गया नंबर को ये हो गई वर्ड्स वाली नोटेशन इन वर्ड्स और ये नंबर हमारा फि डिजिट्स में है या फिगर्स में कह सकते हैं आप और ये हो गया हमारा वर्ड्स में ओके okay, स्टूडेंट्स हम नंबर्स को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और फिगर्स uh, में भी लिख सकते हैं ओके नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या डिफरेंस होता है इंडियन में हमने उज लैक्स uh, और करोड़ किया था ओके okay, इसमें क्या होता है मिलियंस और बिलियंस होता है प्लेस वाले चार्ट में जब हम नंबर्स को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे वन टेंस हंड्रेड्स का एक ग्रुप होता है थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड का एक ग्रुप होता है मिलियन टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन का एक ग्रुप होता है हमारे पास फिर बिलियन टेन बिलियन और हंड्रेड बिलियन का आता है स्टूडेंट्स ओके okay? ये पीरियड्स हो गए हमारे पास ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोमा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंटली हम कोमा अप्लाई करते हैं देखिए थ्री डिजिट्स कोमा थ्री डिजिट्स कोमा देखिए इसमें थ्री थ्री का गैप होता है हमेशा थ्री 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 उसमें क्या था थ्री टू 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 ओके इंडियन में क्लियर यहाँ से थ्री थ्री कोमा थ्री थ्री एंड अगर यहाँ पर और कोई डिजिट होता तो एक कोमा यहाँ पर भी लगा देते हम ओके स्टूडेंट्स तो ऐसे आपने कोमा अप्लाई करना है नंबर के अंदर देखिए अगर हम इस नंबर को लिखें फोर फाइव नाइन सिक्स टू फोर टू तो ये ऐसे लिखा जाएगा ये डिजिट्स में नोटेशन है अब इसमें कोमा देखिए कैसे अप्लाई करेंगे वन टू थ्री पीछे से तीन छोड़े फिर से तीन छोड़े कोमा लगाया प्लेस वैल्यू आप लिख सकते हैं वन टें हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन अब अगर आप इसको वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे देखिए स्टूडेंट्स अगेन कोमा अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपको वर्ड्स में लिखना बहुत इजी हो जाता है नंबर को रीड करना भी बहुत इजी हो जाता है आपके लिए तो कोमा आपने बहुत अच्छे से पुट करने हैं आगे हम कोमाज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे आपको अंडरस्टूड होगा कि ये कैसे आया है देखिए स्टूडेंट्स फोर मिलियन फाइव uh, हंड्रेड क्योंकि ये ग्रुप किसका है थाउजेंड्स का फिर ये वन वाले ग्रुप में क्या है टू हंड्रेड फोर्टी टू सो टू हंड्रेड फोर्टी टू तो आपने ऐसे नेमिंग करनी है वन मोर एग्जाम्पल इज हेयर यहाँ पर सबसे पहले कॉमा अप्लाई कर लेते हैं तीन छोड़े डिजिट्स तीन छोड़े फिर कॉमा ओके अब देखिए ये हमारा मिलियन वाला है मिलियन कितने हैं थ्री हंड्रेड सिक्सटी नाइन मिलियन थ्री हंड्रेड सिक्सटी नाइन मिलियन फिर थाउजेंड्स के ग्रुप में सिर्फ फोर है आपके पास तो ये क्या हो जाएगा फोर थाउजेंड और वंज वाले में क्या है फोर हंड्रेड थर्टी टू फोर हंड्रेड थर्टी टू तो ऐसे आपने इसकी नेमिंग करनी है कोमाज अच्छे से अप्लाई करना है ताकि आपको नंबर को रीड करना और राइट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए ओके okay, स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आपने प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन ओके नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स लार्ज नंबर्स देखिए स्टूडेंट्स फिफ्थ क्लास में आपने सिक्स फाइव डिजिट्स के नंबर्स को डिस्कस किया था यहाँ पर हम सेवन एट नाइन डिजिट्स के नंबर को डिस्कस कर लेते हैं देखिए लार्ज नंबर्स कैसे बनते हैं हमारे पास अगर हमारे पास लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर है सबसे बड़ा सिक्स डिजिट का नंबर ये होता है हमारे पास सबसे बड़े के लिए नाइन को रिपीट कर दिया सिक्स टाइम्स अगर हम इसमें वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा हमारे पास टेन लैख टेन लैख आ गया स्टूडेंट्स तो ये जो टेन लैख बना ये हमारे पास स्मोलेस्ट सेवन डिजिट नंबर होता है अगर लार्जेस्ट सिक्स डिजिट में वन ऐड किया तो स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट आया सिमिलरली लार्जेस्ट सेवन डिजिट नंबर में अगर वन ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट एट डिजिट आएगा लाइक दिस ज़ीरो 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 जीरो ज़ीरो वन इस तरीके से आपने स्माल uh, करना है देखिए स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर क्या बन गया हमारे पास ये वाला कोमा अगर अप्लाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपके पास वन करोड़ ओके स्टूडेंट्स तो ये स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर हो गया हमारे पास क्लियर नाउ सिमिलरली लार्जेस्ट एट डिजिट नंबर क्या होता है लार्जेस्ट के लिए हम रिपीट करेंगे नाइन को कितनी बार एट टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये हो गया लार्जेस्ट एट डिजिट नंबर अगर आपको डिजिट इसमें ऐड करेंगे तो ये नंबर आपके पास आएगा स्टूडेंट्स ये नंबर आ जाएगा देखिए इसमें नाइन नंबर है ओके okay, तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं लार्ज नंबर्स बना सकते हैं क्लियर स्टूडेंट्स लेट्स कम टू आर नेक्स्ट टॉपिक इट्स वेरी इजी फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट अ नंबर देखिए स्टूडेंट्स कोई भी नंबर है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये नंबर है हमारे पास अगर हमें इसके डिजिट्स की क्या बतानी है फेस वैल्यू बतानी है फेस वैल्यू मीन्स उसका फेस कैसा है वो कैसी दिखती है देखिए सबसे पहले हम प्लेसेस लिख लेते हैं वन टें हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख अब देखिए स्टूडेंट्स जो फेस वैल्यू होती है ना वो डिजिट के सेम ही होती है फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन नंबर इज़ सेम एज द डिजिट इट्स सेल्फ डिजिट जो है वही उसकी फेस वैल्यू होती है देखिए इस नंबर में अगर हमें थ्री की फेस वैल्यू बतानी है फेस वैल्यू ऑफ थ्री कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी फोर की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर हो जाएगी फाइव की फाइव हो जाएगी जीरो की जीरो नाइन की नाइन और सेवन की सेवन बहुत इजी है स्टूडेंट्स फेस वैल्यू क्या होती है जो डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू होती है नेक्स्ट वन इज़ प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन ए नंबर अब नंबर डिजिट से मिलके बना हुआ है हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है प्लेस एग्जिस्ट करते हैं तो प्लेस वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी देखिए प्लेस वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालते हैं फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लेस ऑफ द डिजिट से कि वो डिजिट कौन से प्लेस पर आई है उसके साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक दिस स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी ईजी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो हमारे पास ये नंबर है कॉमास पहले से ही लगे हुए हैं इसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ओके थ्री डिजिट छोड़ के फिर टू और फिर अगर नहीं है तो यहाँ पर कॉमा लगा दिया हमने ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लेसेस लिखे हमने वनस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक अगर हमें प्लेस वैल्यू बतानी है हर एक डिजिट्स की स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू हमें एग्ज़ाम में सभी डिजिट्स की भी पूछी जा सकती है वन या टू डिजिट्स की भी पूछी जा सकती है तो आपने बस मेथड याद रखना है सिमिलरली आप कर लेंगे देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको सेवन की प्लेस वैल्यू बतानी है प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन सेवन कौन से प्लेस पर है वन प्लेस पर तो सेवन को वन से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना आ जाएगा सेवन अगर आपको सिक्स की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिक्स कौन से प्लेस पर है टेन्ज पर इट मीन सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन कितना हो जाएगा सिक्सटी सिमिलरली जीरो हंड्रेड्स प्लेस पर है जीरो को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा देखिए स्टूडेंट्स जीरो की फेस वैल्यू भी जीरो ही होती है प्लेस वैल्यू भी हमेशा जीरो ही रहती है ओके okay, आप एक जीरो लिखें या दो जीरो तीन जीरो कितनी भी लिखे जीरो ही वैल्यू रहती है उसकी प्लेस वैल्यू फोर कितनी हो जाएगी देखिए फोर थाउजेंड्स प्लेस पर है फोर मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड ये हो जाएगा फोर थाउजेंड सिमिलरली फाइव हमारा टेन थाउजेंड प्लेस पर है टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिफ्टी थाउजेंड हो गया नाइन का हो जाएगा हमारे पास नाइन लैख क्योंकि नाइन हमारा लैक्स प्लेस पर है अगर आप इसको इसके बजाय ऐसे समझना चाहें तो ये भी बहुत ईजी मैथड है स्टूडेंट्स सेवन की प्लेस वैल्यू सेवन सिक्स की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स और सेवन को क्या बना दो ज़ीरो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू जीरो फोर की प्लेस वैल्यू फोर के आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनको जीरो कर दो फाइव की प्लेस वैल्यू क्या होगी फाइव के आगे जितने भी डिजिट्स हैं उसको ज़ीरो कर दो नाइन के आगे सारे डिजिट्स को जीरो कर दो तो ये भी एक इजी मेथड है स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कर लेंगे ओके स्टूडेंट्स लेट्स कम टू आर नेक्स्ट टॉपिक कंपेरिजन ऑफ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स और ध्यान से समझना बहुत इंटरेस्टिंग लगे लगेगा आपको बहुत ज़्यादा ईजी भी है देखिए कंपेयर करना इट मींस ये बताना कि कौन बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है देखिए स्टूडेंट जब कंपेयर करते हैं हम थ्री सिंबल्स का यूज़ करते हैं ये फर्स्ट सिंबल है हमारा दिस वन इज़ सेकंड सिंबल दिस वन इज़ थर्ड सिंबल ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल, स्मॉलर देन एंड दिस वन इज़ ऑफ इक्वल टू ओके अगर हम इस सिंबल को समझना चाहें देखिए ये ऐसे होता है हमारे पास ये जो इसका ओपन एरिया है इसको हम हेड बोलते हैं जो बड़ा नंबर होगा ग्रेटर नंबर होगा हमेशा हेड की तरफ होगा और ये बो, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं टेल टेल की तरफ हमेशा स्मॉलर नंबर होता है ओके स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे लेंगे तो इधर ग्रेटर आ जाएगा और इधर स्मॉलर आ जाएगा ओके okay. इस माउथ की तरफ हमेशा ग्रेटर नंबर रहेगा अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ रूल्स हैं हमारे पास जब हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो अगर उनको फॉलो करेंगे तो कभी हमारे हमसे मिस्टेक नहीं होगी तो आपने रूल्स को बहुत ध्यान से समझना है फर्स्ट रूल बहुत ईजी है अगर किसी नंबर में डिजिट्स ज्यादा हैं सपोज देखिए थ्री फोर नाइन है यहाँ पर यहाँ पर फोर फाइव नाइन सिक्स है यहाँ पर तीन डिजिट्स का नंबर है यहाँ पर फोर डिजिट्स हैं तो चार डिजिट वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर इस सिंबल का माउथ हम इसकी तरफ ग्रेटर नंबर की तरफ ओपन कर देंगे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है जहाँ पे डिजिट ज़्यादा वही नंबर बड़ा इफ नंबर हैज़ मोर डिजिट्स देन अनदर इट इज अ ग्रेटर ऑफ द टू सेकेंड रूल क्या कहता है अगर सपोज नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गए हैं इफ़ टू नंबर ऑफ डिजिटेयर दिजिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंडाइड सबसे लेफ्ट वाला जो डिजिट होगा देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए इसको यहाँ पे भी चार डिजिट हैं यहाँ पे भी फोर डिजिट् हैं ओके सबसे लेफ्ट वाले डिजिट से हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे फोर है यहाँ पर थ्री है तो फोर बड़ा इट मीनस ये नंबर बड़ा हो गया अब एक और केस आ सकता है हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट्स आर द सेम अगर ये डिजिट्स भी सेम रहे होते फिर हम क्या करते कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट्स टू द राइट तो इसके बाद वाली डिजिट जो है उसको हम क्या करते कंपेयर करते इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए स्टूडेंट्स लाइक दिस देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है फोर नाइन थ्री सिक्स एंड फोर थ्री जीरो नाइन सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो लेफ़्ट वाला डिजिट है वो तो सेम हो गया इसके बाद वाला क्या है यहाँ पे नाइन है यहाँ पे थ्री नाइन बड़ा है तो ये नंबर क्या हो गया बड़ा यहाँ पर देखिए फाइव जीरो वन यहाँ पर भी फाइव ज़ीरो वन फर्स्ट डिजिट फर्स्ट वाले के सेम है सेकंड सेकंड वाले के थर्ड थर्ड वाले के बट अब फोर्थ डिजिट यहाँ पर टू है यहाँ पर फाइव है तो जो बड़ा मिला वही नंबर क्या हो गया ग्रेटर हो गया हमारे पास ऐसे कंपेयर करते हैं सीरियल वाइज लेफ्ट साइड से uh, फिर अगर वो सेम आता है तो उसके नेक्स्ट वाला चेक करते हैं अब नेक्स्ट में हमारे पास सभी डिजिट सेम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वलिटी का सिम्बल आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए स्टूडेंट्स असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपने लोअर क्लासेज में भी किए हैं रूल आपने लगाना है अच्छे से देखिए असेंडिंग जो है और जो डिसेंडिंग है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं असेंडिंग में स्मॉलर टू ग्रेट स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं हम और डिसेंडिंग में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं देखिए अगर हमारे पास फोर नंबर्स ये गिवन है इसमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर ये है सेकेंड ये है थर्ड ये है फोर्थ ये है हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा अप्लाई किए हुए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर तो देखिए रूल क्या होता है हमारे पास हम नंबरिंग से करते हैं स्टूडेंट्स बहुत इजी मेथड है ध्यान से समझना आपने देखिए सबसे पहले तो डिजिट्स काउंट करो यहाँ पर फाइव डिजिट्स हैं यहाँ पर सिक्स डिजिट्स हैं यहाँ पर फाइव हैं यहाँ पर फाइव हैं अब नंबरिंग करेंगे हम फर्स्ट कौन होगा सबसे छोटा नंबर अब देखिए सबसे छोटा नंबर कैसे करेंगे ये इन तीनों में फाइव डिजिट्स हैं कंपेयर कीजिए लेफ्ट डिजिट फोर वन फोर सबसे छोटा कौन वन तो फर्स्ट नंबर किसका इसका अब सेकंड नंबर इसमें से या इसमें से होगा यहाँ पे फोर फोर सेम है बट यहाँ पर नाइन यहाँ पर जीरो तो जीरो छोटा है इट मींस इससे सेकेंड नंबर पे कौन सा होगा ये थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा और सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा क्योंकि इसमें डिजिट्स ही ज्यादा हैं डिजिट्स ही सिक्स हैं तो आप असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे फर्स्ट नंबर है ट्वेल्व फाइव सिक्स जीरो सेकेंड नंबर है हमारे पास फोर जीरो वन जीरो टू थर्ड नंबर हो जाएगा फोर नाइन वन सिक्स फाइव और फोर्थ नंबर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा सिक्स थ्री नाइन फाइव सिक्स फाइव ये देखिए ये सबसे ग्रेटर है तो ये माउथ इसकी तरफ ओपन है ये सबसे स्मॉलर है तो इसकी तरफ टेल आई हुई है ओके इसी तरीके से अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे नंबरिंग करके ही करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे डिजिट्स काउंट करेंगे यहाँ पर फाइव डिजिट्स यहाँ पर सिक्स यहाँ पर फाइव यहाँ पर फाइव डिजिट्स अब देखिए आपको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं आप अपोजिट है जस्ट असेंडिंग uh, वाले के इसको असेंडिंग को इंक्रीजिंग भी बोलते हैं स्टूडेंट्स हम असेंडिंग को इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग को डिक्रीजिंग भी बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए फर्स्ट सबसे बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स यहाँ पे सिक्स डिजिट्स हैं तो यही सबसे बड़ा नंबर है ना यहाँ पर अब इन तीनों में से कौन है सेकेंड नंबर पे देखिए यहाँ पे सेवन वाला है ये भी सेवन वाला सेवन के बाद यहाँ पर ज़ीरो यहाँ पर वन तो ये हो गया सेकेंड नंबर वाला उसके बाद ये थर्ड वाला यहाँ पर तो फोर है ये तो सबसे ही छोटा है सो so, हमारे पास ये हो जाएगा फोर्थ नंबर आप देखिए टू वन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा टू वन फाइव सिक्स सेवन ज़ीरो उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है ये उसके बाद सेवन वन नाइन फाइव सिक्स उसके बाद आएगा सेवन जीरो वन नाइन फाइव सबसे लास्ट में आएगा फोर वन नाइन फाइव सिक्स ये सिंबल्स आपने ध्यान से करने हैं स्टूडेंट्स सबसे बड़े की तरफ ये माउथ ओपन होगा ओके okay. फिर ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दिया इस सिक्वेंस में हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं मैथड्स आपने ध्यान रखना है बहुत अच्छे से ओके स्टूडेंट्स लेट अस डू थ्री आर सम्स ऑफ रिकैप एक्सरसाइज रिकेप एक्सरसाइज चैप्टर से पहले होती है स्टूडेंट्स इसमें हमें फिफ्थ क्लास से रिलेटेड कुछ सम्स हैं वो डिस्कस करने हैं थोड़े से एक्सटेंडेड लेवल के हैं सी राइट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स थ्री वन फाइव एंड फोर आपको ये चार डिजिट्स गिवन है आपको क्या बताना है लार्जेस्ट नंबर बताना है इनसे बना हुआ देखिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट आपने अच्छे से रीड कर ली लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है इन डिजिट्स का यूज़ करके गिवन डिजिट्स क्या है थ्री वन फाइव और फोर है अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो क्या होगा वनस टेंस हंड्रेड थाउजेंड चार डिजिट का बनाना है ना स्टूडेंट्स फोर डिजिट्स का तो वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड पहले प्लेसेस लिख लिए हमने अब देखिए जब लार्जेस्ट बनाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट उसके बाद उससे छोटी उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद सबसे छोटी ये बन गया आपका लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट अगर बनाना है सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट आएगी इट मीनस वन उसके बाद थ्री उसके बाद फोर उसके बाद फाइव तो ऐसा कोई भी सम आता है स्टूडेंट्स तो आपने ऐसे ही प्रोसीड करना है आगे हम एक दो सम्स और कर लेते हैं इसके देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट फ्रॉम द फॉलोइंग ये नंबर्स गिवन है आपको जो कलर्ड डिजिट है उसकी आपने प्लेस वैल्यू भी बतानी है और फेस वैल्यू भी बतानी है देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ फोर यहाँ पर कितनी हो जाएगी ये नंबर है फोर की प्लेस वैल्यू देखिए फोर कौन से प्लेस पर है वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड फोर हमारा टेन थाउजेंड प्लेस पर है तो फोर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे टेन थाउजेंड से क्या आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड और फेस वैल्यू तो फोर की सेम ही रहती है फेस वैल्यू तो हर एक डिजिट की सेम ही रहती है सिमिलरली आप इस सम में भी कर लेंगे नाइन यहाँ पर टेन थाउजेंड पर है अगेन प्लेस वैल्यू नाइन की क्या हो जाएगी नाइन मल्टीप्लाई बाई टेन थाउजेंड इट मीन्स नाइन्टी थाउजेंड फेस वैल्यू सेम रहती है सिमिलरली आप यहाँ पर कर लेंगे स्टूडेंट्स ओके नाउ और लास्ट सम इज़ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर आपको डिफरेंस बताना है लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर में और स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर में सबसे पहले अब नंबर्स को लिख लेते हैं स्टूडेंट्स लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास नाइन 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 सिक्स टाइम्स आप क्या लिख दोगे नाइन को अब स्मॉलेस्ट अगर बनाना है तो क्या होगा वन और उसके बाद फाइव ज़ीरोज लिख देंगे आप उसके बाद डिफरेंस करना है तो कैसे करेंगे इसमें से आप माइनस कर देंगे इसको तो जब आप इसको माइनस करेंगे आप इसको ऐसे भी माइनस कर सकते हैं स्टूडेंट्स कॉलम मेथड से नाइन 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 हेयर एंड एट हेयर सो आंसर विल बी दिस वन यू कैन अप्लाई कोमा ऑल्सो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से करना है फेयर नोटबुक में इसको नोट कर लेना है और अच्छे से वीडियो को देखना है अगर कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो तो मुझसे डिस्कस करना है ओके स्टूडेंट्स एंड आपने अपनी फेयर नोटबुक को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग ओके स्टूडेंट्स थैंक यू